बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। ईगो टीवी से आज का दिन कैसा रहेगा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। साल 2022 की जंजानी जंतरी, बारह इमामिया जंतरी 2022, अलबेरूनी तकवीम 2022 और नवा माह का शुमारा माहनामा आयना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दिन तमाम बुरूज के साथ क्या करने जा रहा है। छब्बीस जुलाई 2022 बुर्ज हमल एरीज, आज का दिन मसूफियत बेपनाह रहेगी। आज जो भी काम करेंगे उसमें बग़ैर मेहनत के किसी भी चीज़ का मुस्बत नतीजा हासिल करना आपके लिए मुमकिन नहीं है। आज हार्डशिप से गुजरना है, मेहनत से गुजरना है, उसके बाद मुमकिन तौर पर मुस्बत नतीज को हासिल करना है। गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, सुनी सुनाई बातों पर कान धरने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप ख़ुद से उसको देख ना लें या ख़ुद आप वहाँ पर मौजूद ना हो। लोग आज आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से फैमिली मेम्बर्स या कज़न्स के साथ आपके मामला बिगड़ सकते हैं, कारोबारी मामलात में भी बिगाड़ पैदा हो सकता है। बुर्ज 100 टॉरस की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियली तौर पे दिन आज आपका बेहतर रहेगा। आज किसी दोस्त से मुलाकात मतवक्को है जो कि बड़ा पुराना और गहरा दोस्त था आपका, एक तवील अरसे के बाद उससे गुफ्तगू गपशप करने का मौका मिलेगा या मोबाइल मैसेजिंग के थ्रू ही गपशप लग सकती है। बुज़ुर्गों की मुशावरत रहेगी। वालिद किसी वजह से बीमार थे तो आज उनकी सेहत ठीक होती हुई दिखाई देती है। मुर्गन गज़ाओं का इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। थोड़े से चटखोरे आज आप लोग रहेंगे लेकिन अपनी सेहत पर ख़ास तौर पर तवज्जो दीजिए और अपने स्टमक का ख्याल रखें। हो सकता है कि आपकी ज़ुबान और मसूड़े पे स्वेलिंग का होना, दांतों का इन्फेक्शन होना या ज़ुबान पे छाले निकल आना, इस किस्म की कैफियत हो सकती। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिएगा। बुर्ज जौज़ा जमनाए, आज आपकी शख्सियत में निखार है। किसी वजह से सेहत ठीक नहीं तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सेहत आपकी बेहतर दिखाई देती है। आज सैर व तफरी का प्लान बन सकता है। फाइनेंशियली तौर पे मामलात को समेटते हुए दिखाई देते हैं। दूर दराज के मुकाम पर रहने वाले अफराद अपनी फैमिली से रबते को बहाल करेंगे। किसी प्यारे को मनाने की कोशिश करें जो किसी वजह से आपसे नाराज़ हो गया था। बुर्ज सरतान कैंसर, अखराजात में इजाफा रहेगा। बिन बुलाए मेहमान आज आपके घर आ सकते हैं। हो सकता है आज किसी से बात करने को दिल ना करें। शरीक हयात की सेहत का ख़राब होना या उनके साथ मामलात का बिगाड़ होना आज पैदा हो सकता है। कोई प्यारा आपसे रूट सकता है, नाराज़ हो सकता है। आज का दिन तहम्मुल मिजाजी से चलने का दिन है। धोखादही का अंदेशा भी पाया जाता है, चाहे कोई 10-20 रुपये का नुकसान क्यों ना हो, बहरहाल आज थोड़ा सा नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। बुर्ज असद लियो, कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान रहेगा। कोई एक दिलीना ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। बुज़ुर्गों की मशावरत रहेगी। बड़े बहन भाइयों से मुलाकात मतवक्को या उनसे फेवर फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। किसी तकरीब का हिस्सा बनेंगे, किसी अहम फर्द से मुलाकात, किसी अहम मीटिंग का हिस्सा आज बनते हुए दिखाई देते हैं। 40 साल से ज़्यादा की उम्र के अफराद अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बुर्ज सुमला वर्गों की अगर बात की जाए तो आज रिस्क रोज़गार के हवाले से बेहतर मौके मुयसर आते हुए दिखाई देते हैं। आज आपके ऊपर आयद जिम्मेदारियाँ, उनका हुजम, उनका बोझ थोड़ा सा कम होगा जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। लेकिन ये चीज़ आपके अंदर एक नई एनर्जी की जो है उसको पैदा करेगी, एक नई रूह फूंक देगी जिसकी वजह से आपका दिल करेगा कि आज के दिन को हम जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव कर सकें करें। दोस्तों की मशावरत की वजह से या फेवर या फ़ायदे की वजह से भी कुछ मामलात बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। बुर्ज मेज़ान लिब्रा, आज कामों में तसलसल होने की वजह से हर काम आपके लिए आसान रहेगा। नींद पुरसकून, आज को ख्वाब देखें, उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा। वालिद की कुर्बत रहेगी, वालिद का साथ रहेगा। बैरून मुसफ़र, हाज उमरा ज़ियारात के हवाले से चीज़ें हतमी शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। आज हर काम में जान मारते हुए दिखाई देते हैं। आज आपकी शख्सियत, हैसियत, काबिलियत और तजर्बात दूसरों को या दूसरों से शेयर करने का मौका भी आपको मिलेगा। बुर्ज अक्रब स्कॉर्पियो की अगर बात की जाए तो आज दौरान सफ़र मोहतात रहें, हादसात का अंदेशा पाया जाता है। अजनबी अफराद से भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। विरासती मामला सर उभार सकते हैं। ससुराल वालों से मुलाकात मतवक्को है। आज हो सकता है कि नौकरी पेशा अफराद अपने ऊपर बोझ की कैफियत को महसूस करें जिसकी वजह से नाउमीदी, मायूसी पैदा हो सकती है। आज डॉक्टर से मुलाकात भी होगी। बुर्ज कौस सेजिटेरियस, आज शरीक हयात का साथ रहेगा जिसकी वजह से घर का माहौल पुरसकून हो सकता है। ससुराल से मुलाकात मतवक्को है। विरासती मामलात के हवाले से आपको थोड़ी सी ब्रेन वॉशिंग भी आपकी की जाएगी कि आप अपनी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखें, दूसरों के ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को आयद करना ये बेहतर नहीं। बहरहाल मद्दे मुकाबिल अफराद आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। कहीं से पैसे आने की उम्मीद आज की जा सकती है।
برج جدی کیپریکون اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، آج مایوسی پیدا ہوگی لوگوں کے رویوں سے، آج دوسرے آپ کو پریشان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، چیزوں کا مس مینج ہونے کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جانا آپ کے لیے فکر مندی کو پیدا کرے گا، آج ملازم آپ کو تنگ کریں گے، شریک حیات کی صحت یا شراکت دار کی صحت خراب ہو سکتی ہے، قانونی معاملات زیر بحث آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ برج دلو ایکویریس آج کو ایسا کام کریں گے جس میں دماغ یا برین کا استعمال آپ کو بہت زیادہ کرنا پڑے گا، حساب کتاب کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سٹمک کی پرابلم ہو سکتی ہے، بچوں کے معاملات زیر بحث رہیں گے، ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے اپنے اہم کاموں کو چھوڑ دیں، محبوب سے ملاقات کے اس کی وجہ سے بھی اپنے اہم کاموں کو چھوڑ دیں اور بعد میں پھر آپ کو پچھتاوا ہو کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ کسی اہم فرد سے ملاقات، کسی میٹنگ کا حصہ، آن لائن ٹریڈنگ، بزنس، کرپٹو کرنسی، اسٹاک شیئر میں دلچسپی لینے والوں کے لیے آج منافع کا رجحان رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ برج اہود پائسز زمین جائیداد پراپرٹی کا حصول سر ابھر سکتا ہے، گھر کے معاملات بڑے پرسکون رہیں گے، گھر میں دل لگے گا، آج گھر میں مہمانوں کی آمد رفت ہو سکتی ہے، بچوں کی طرف دلچسپی رہے گی، والدہ کی عیادت کرنے کا موقع ملے گا، والدہ کے ساتھ قربت رہنے کی وجہ سے ان سے کچھ کام بھی آپ لے سکتے ہیں، ماضی میں کسی چیز کے اوپر محنت کر رہے تھے تو اس کے مثبت نتائج آج ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔